हेलो आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो जी आज के थंबनेल और टाइटल से आपको पता चला ही होगा कि आज का वीडियो जो है ये किसके रिलेटेड है। तो जी जो आज का वीडियो है ये है एक हिंदू लेडी डॉक्टर के बारे में जो कि एक शो में डॉक्टर जाकिर नायक साहब से कुछ सवाल कर रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए वीडियो में कि कौन सा सवाल है एंड जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब है वो क्या जवाब दे रहे हैं इस सवाल का। तो जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आज के इस वीडियो में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिल जाएगी एंड आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी जरूर साथ में प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड आज का वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें क्योंकि आपके इस एक सब्सक्राइब से एंड एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम आगे भी आपके लिए इससे अच्छे कंटेंट्स लाए। तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को प्ले करेंगे। गीता कदम, I have a question regarding test tube baby. A lady is having ovarian failure, so did test tube baby. Is it haram or halal? Actually, I had an argument with one of my friend, and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है और कहती है कि अगर एक औरत को ओवेरियन फेलियर है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म देती है तो जायज है क्या? नहीं, जितने भी मेडिकल जरिए हैं बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें दो टाइप के तरीके, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेटरोजीनियस। होमोजीनियस मतलब के जो ओवम है पैदा है वो होता है बीवी का और स्पर्म है मनी है शोहर का, इसे कहते हैं होमोजीनियस। हेटरोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते, तो ये हराम है। तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर पैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की तो जायज है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है। तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज नहीं है, हेटरोजीनियस है तो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दो में जो भाई खड़े हैं वो सवाल कीजिए। मेरा नाम विजय सोनी है, मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ, एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है, ईश्वर एक है, कुरान बाइबिल हर जितने भी मजहब कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाते, फिर भी इंसान भटकता है क्यों? आज लोगों को बीमारियां हो रही, ट्रेन से जा रहे हैं, गिरते हैं, मरते हैं, बीमारियां, अंधे, लंगड़े, लूले, क्यों? ऐसी क्या कमी है? अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए, फिर भी ऐसा क्यों? भाई साहब का सवाल है कि वो मानते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला एक है और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद, ये सब मजहब की किताबें सही चीज सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों? ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, गीता पढ़ चुका हूँ और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूँ। कुरान के अलावा जितनी दिगर मजाहब की किताब है इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज बीन करप्टेड, इट हैज बीन कंकॉक्टेड, इट हैज बीन फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज लेकिन बाइबल में अब भी सही है, कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है। बाइबल में कितनी अनसाइंटिफिक चीजें हैं, खाली आप पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 में कि खुदा ने दो बॉडीज बनाए, दो लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है, सूरज
जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं, नहीं। इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूँ, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूँ। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। तो जी ये था आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।